टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर आयोजित हुआ है। अब तक कुल 7 बार टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो चुका है। देखा जाए तो अब तक के 7 टी20 वर्ल्ड कप काफी सफल रहे हैं और इस दौरान कई यादगार मुकाबले खेले गए, लेकिन इन सभी चीजों के साथ टी20 वर्ल्ड कप से जुड़े विवाद भी सामने आ चुके हैं। वैसे तो टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 अक्टूबर से ही हो गई थी, लेकिन रोमांच की शुरुआत 22 अक्टूबर से हुई जब सुपर 12 मुकाबलों का आगाज हुआ। आज हम भारत की बात करें तो रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से की थी। आज हम आपको बताने वाले हैं टीम इंडिया से जुड़े कुछ विवाद जो क्रिकेट फैंस द्वारा किए जा रहे हैं ट्रेंड। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं कि इस बार वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी। अब वीडियो शुरू करते हैं। जडेजा की खल रही है कमी। रविंद्र जडेजा चोट के चलते टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। जडेजा गेंदबाजी और बल्लेबाजी के अलावा फील्डिंग में भी अपने प्रदर्शन से छाप छोड़ते आए हैं। उनकी अनुपस्थिति में अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में जगह मिल रही है, जो पूरी तरह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। खराब फील्डिंग। हालिया समय में भारतीय टीम का फील्डिंग में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। भारतीय फील्डरों ने मैदान पर कई गलतियां की है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शान मसूद आसानी से रन आउट हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा भी भारतीय फील्डर्स ने कुछ मौके गवाए थे। भारत को आने वाले मैचों में अच्छा खेल दिखाना है तो उन्हें अपनी फील्डिंग को उच्चतम लेवल पर ले जाना होगा। मिडल ओवर में रन रेट। नीदरलैंड के खिलाफ जब टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो सबको उम्मीद थी कि भारत 200 का आंकड़ा छूने में कामयाब रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे की वजह मिडल ओवर्स रहा, जिसमें भारतीय टीम उतनी तेज गति से रन नहीं बना पाई। हालिया एशिया कप में भी ऐसा ही देखने को मिला था, जहाँ मिडल ओवर्स में भारतीय टीम रन गति तेज नहीं कर पाई। केएल राहुल की फॉर्म। टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय केएल राहुल की खराब फॉर्म है। केएल राहुल पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ राहुल महज 4 रन बनाकर नसीम शाह की गेंद पर बोल्ड हो गए थे। वहीं दूसरे मुकाबले में उन्हें पॉल वैन मिकेरन ने LBW आउट किया था। नीदरलैंड के खिलाफ केएल राहुल ने महज 9 रनों का योगदान दिया। अब भारतीय टीम प्रबंध उम्मीद कर रहा होगा कि केएल राहुल जल्द अपने पुराने फॉर्म में लौटे ताकि टीम को अच्छी शुरुआत मिल सके। ऋषभ पंत से ओपनिंग करवाओ। ऋषभ पंत एक एक्स फैक्टर प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड भी जबरदस्त है, लेकिन वो सारी पारियां टेस्ट मैच में आई है। पंत की इमेज एक फिनिशर की है, पारी की शुरुआत करने का अनुभव जरूर है, लेकिन वह इस पोजीशन के एक्सपर्ट बल्लेबाज नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल को बाहर कर बेंच पर बैठे ऋषभ पंत से ओपनिंग करवाने की मांग उठने लगी है। विराट कोहली को क्लीन बोल्ड होने पर भी क्यों मिल गए 3 रन। विराट कोहली फ्री हिट पर क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन गेंद में इतनी तेजी थी कि गेंद थर्ड मैन की दिशा में चली गई, जिस पर विराट कोहली ने दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर 3 रन दौड़ लिए। पाकिस्तान चाहता था कि गेंद डेड बॉल होनी चाहिए। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और पूरी टीम चाहती थी कि जब वे आउट हो गए तो फिर गेंद डेड बॉल करार दी जानी चाहिए। इसी को विवाद कहा जा रहा है, लेकिन मेरी बोन क्रिकेट क्लब यानी MCC द्वारा ICC के लिए बनाए गए नियमों के तहत भारत को 3 रन मिलने ही थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच बढ़िया पार्टनरशिप। फोरम में वापस लौटने के साथ साथ विराट कोहली के लिए एक और अच्छी बात हुई कि अब वो न तो तनाव में दिख रहे हैं और न ही किसी के साथ तनातनी की मुद्रा में हैं। जब विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी तब माना गया था कि रोहित शर्मा के साथ उनके संबंध खराब होते जा रहे हैं, लेकिन एशिया कप से अब तक दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती दिखी है। भुवनेश्वर ने की शानदार वापसी।
T20 वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर कुमार ने अब तक शानदार गेंदबाजी की है और अपने प्रदर्शन से सभी आलोचकों का मुंह बंद किया है। T20 वर्ल्ड कप से पहले उनके फॉर्म को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बयानबाजी हुई थी। 19वें ओवर में भुवनेश्वर के रन लुटाने पर सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक उड़ा था। भारतीय खिलाड़ियों को ठंडा खाना। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शिकायत की थी कि 2.5 घंटे लंबे प्रैक्टिस सेशन के बाद उन्हें ठंडे सैंडविच दिए गए थे, सैंडविच ग्रिल्ड भी नहीं किए गए थे। इसके बाद ज्यादातर खिलाड़ियों ने ग्राउंड पर कुछ फल खाए थे और फिर होटल जाकर लंच किया था। अवार्ड के लिए उतावले सूर्या। सूर्या ने 207 की स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों में 51 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अवार्ड लेने से पहले सूर्या उतावले दिखे। दरअसल जब इसका ऐलान हुआ तो मजाक में ही सही, सूर्या ने प्रेजेंटर से कहा, लाओ भैया दे दो। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। भारतीय टीम से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी ही और अधिक जानकारी आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।